अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल में वेलकम करता हूँ। खैर दोस्तों, ये ज़िगज़ैग कैक्टस का पौधा लगा हुआ है और इसके साथ ये मदर ऑफ थाउजेंड के बीज गिरे थे और उसमें ये काफ़ी सारा फैल चुका है। अब अगर मैंने इसको सेपरेट ना किया मदर ऑफ थाउजेंड को, तो ये इसको बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ ये सारी वीडियो, और आपको मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, और आपको ज़िगज़ैग कैक्टस प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। ये फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए थे और तकरीबन एक साल से ये शेडी प्लेस में पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन ग्रीन था, चल रहा था, लेकिन ग्रोथ इसकी रुकी हुई थी बिल्कुल ही। तो अब मैंने इसको तकरीबन 15-20 दिन हुए धूप में रखा, तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको सेपरेट करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हमें कैसे सलूक करना चाहिए। पहले हम ये मदर ऑफ थाउजेंड को अलहदा कर लेंगे सारे को, और इसमें से ये देखें, ये ज़्यादातर जो पौधा है, पौधा इतना दिमाग वाला है कि ऐसी जगह पे जाके अपनी रूट्स इंसर्ट करता है कि जो दूसरा प्लांट है वो डेड हो जाए और सिर्फ इसकी बादशाहत रह जाए। ये फ्रेंड्स अलहदा हो चुका है, और ये मैं पॉट इसके लिए पहले से रेडी कर चुका था ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसके लिए फ्रेंड्स, जो हमें सॉइल रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन वाली होनी चाहिए, और उसमें सॉइल और सैंड काफ़ी ज़्यादा मिक्स होनी चाहिए, यानी कि रेतली मिट्टी हो, वो इसको ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट का पौधा है। और इसके साथ हमने इसको रखना है सनलाइट में, और इसको पानी देना है कम, और साथ में इसकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स, हमारा पौधा लग चुका है, इसको अब हम पानी देंगे। इसको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं देना, क्योंकि ये आपको बताया कि कम पानी वाला पौधा है। बस इसकी रूट्स गीली हो जाएं और एयर पॉकेट कोई ना बचे, ये आपने ख्याल रखना है। बाकी इसको गमला भर के पानी नहीं देंगे हम। ये हमारा पौधा शिफ्ट हो चुका है, और फ्रेंड्स इसके साथ ही आज की वीडियो अपनी वाइंड अप करता हूँ, और इसकी अपडेट भी आपके लिए किसी और वीडियो में ले आऊँगा। देखें आप, पानी इसका जो है ना एकदम से चला गया है नीचे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अपनी वीडियो वाइंड अप करने की इजाज़त चाहता हूँ। इसका नाम है ज़िगज़ैग कैक्टस, और ये आपको समझ आ गई होगी कि इसका नाम ज़िगज़ैग क्यों है, क्योंकि इसकी शेप ज़िगज़ैग है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मुझे वीडियो वाइंड अप करने की इजाज़त दें, और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।